हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज हम बना रहे हैं स्केच। बहुत ही फेमस सिंगर, काफ़ी अच्छे अच्छे गाने लिखते हैं, गाते हैं, जो कि हैं जुबिन नौटियाल। तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे स्केच वीडियो ऑफ जुबिन नौटियाल, एंड साथ में ही मैं उनकी कुछ थोड़ी बहुत जो बायोग्राफी है वो आपसे शेयर करूंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अब बायोग्राफी स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड से आकर बॉलीवुड की सिनेमा नगरी में आवाज का जादू बिखेर कर पहचान बनाई जुबिन नौटियाल ने। 14 जून को 1989 को देहरादून में पैदा हुए जुबिन ने अपनी अनोखी आवाज से सभी को अपना दीवाना बना दिया। उनके पिता का नाम रामशरण नौटियाल, माता का नाम नीना नौटियाल है। उनके पिता एक बिजनेसमैन है जबकि माँ गृहिणी है। अब बात करते हैं कि जुबिन की शिक्षा की। जुबिन ने देहरादून के सेंट जोसेफ एकेडमी से 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके आगे की शिक्षा उन्होंने वेलहम बॉयज विद्यालय देहरादून से पूर्ण की। जुबिन पढ़ाई के साथ साथ गिटार संगीत की शिक्षा भी ग्रहण करते थे। वे देहरादून और इसके आसपास अपने हुनर के बल में काफी विख्यात हो चुके थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वे 2007 में मुंबई आए। उन्होंने मीठीबाई कॉलेज से संगीत तराशना शुरू किया। वाराणसी में पंडित छन्नूलाल मिश्र जी से भी जुबिन ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। माया नगरी में एआर रहमान से मुलाकात के दौरान रहमान ने जुबिन की आवाज की तारीफ की। रहमान की सलाह पर ही उन्होंने अपनी गायकी पर और ज्यादा काम करने की सोची। शास्त्रीय संगीत आदि विधाओं पर शिक्षा प्राप्त की। जुबिन ने 2014 में फिल्म सोनाली केबल के एक गाने एक मुलाकात हो से बॉलीवुड में एंट्री की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद जुबिन ने 2015 में बजरंगी भाईजान से कुछ तो बता जिंदगी, फिर द शौकीन से मेहरबानी, जज्बा से बंदिया, रुस्तम से ढल जाऊं मैं के साथ वह संगीत प्रेमियों के दिलों में इतना ढल गए कि उन्हें भर भर कर तारीफें मिलने लगी। अभी भी जुबिन के कई गीत सुनने को मिलते हैं जिनमें अधिकतर सुपरहिट होते हैं। आपको बता दें कि जुबिन नेशनल लेवल शूटर भी हैं। बॉलीवुड में अपने सफर के बारे में जुबिन कहते हैं कि जब मैं देहरादून में था तब मैं खुद को वहां का स्टार समझता था। वह छोटा शहर है और वहां पर आप जल्दी लोगों के बीच पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन जब मैं एक्स फैक्टर आया तो देखा कितने गायक हैं, कितना अच्छा इनका लेवल है, मुझसे छोटे भी हैं और मैं इनके सामने कोई स्टार नहीं। वहाँ में मैंने खुद को बदलना शुरू किया और उन लोगों से काफ़ी कुछ सीखा। जुबिन ने सुपरहिट फिल्में बजरंगी भाईजान का गाना जिंदगी कुछ तो बता गाया। उनका यह गाना सुपरहिट रहा और इसके लिए उन्हें मिर्ची म्यूजिक अवार्ड दिया गया। इसके अलावा जुबिन ने आशिकी, जज्बा, प्यार तूने क्या क्या, दहलीज, 1920, लंदन, इस फॉर एवर, फितूर जैसी फिल्मों के लिए भी अपनी आवाज़ दी है। सो गाइज, ये थी एक छोटी सी बायोग्राफी जुबिन नौटियाल की जो मैंने आप लोगों से शेयर करी। तो ये मैं एक अलग कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ कि साथ में मैं स्केच भी बनाऊँ और एक बायोग्राफी भी शेयर करूँ थोड़ी बहुत, जो भी जितना भी मुझे इनपुट मिलता है, ताकि आप मेरी वीडियो से दो चीज़ें सीख सकें। जिनको आर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें पसंद है तो वो आर्ट से रिलेटेड मेरे स्केचेस वगैरह देख के कुछ सीख सकते हैं, और साथ में जिनको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है तो वो इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और स्केच के बारे में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।